शुरू हुआ भव्य राम मंदिर के लिए नींव की खुदाई का काम। जमीन में 40 फीट गहरी होगी नींव और ऊपर होगा भव्य ढांचा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर परिसर में काम तेजी पर है। नींव की मजबूती और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री के फॉर्मूले पर फैसला पहले ही ले लिया गया था। राम मंदिर की नींव के लिए जमीन से 40 फीट नीचे से कंक्रीट की लेयर्स डालने का कार्य चल रहा है। ऐसी 45 लेयर डालने के बाद 12 फीट ऊंचे चबूतरे पर भव्य राम मंदिर के गर्भगृह मंडप का निर्माण शुरू होगा। राम मंदिर की नींव के कार्य के लिए जन्म स्थल पर जमीन से 40 फीट नीचे तक बड़ी गहरी खुदाई की गई है। इस खुदाई के बाद जन्म स्थल से निकले तमाम मूर्तियों और मंदिर अवशेषों को संभाल कर रखा गया है। जमीन में 40 फीट की खुदाई राम मंदिर की नींव को मजबूत करने के लिए की गई है। कंक्रीट की लेयर्स बिछाने का काम चल रहा है। विशेषज्ञों की सलाह पर यह फैसला लिया गया है कि राम मंदिर परिसर की नींव रोलर कॉम्पैक्टर कंक्रीट तकनीक से बनाई जाएगी। अब तक 4 लेयर एक के ऊपर एक बिछाई जा चुकी है। इन लेयर्स की लंबाई 400 फीट और 30 फीट चौड़ाई है। एक लेयर जो करीब 12 इंच मोटी बिछाई जाती है, उसको बिछाकर रोलर से दबाया जाता है। जब ये लेयर 2 इंच दबकर 10 इंच रह जाती है, तब दूसरी लेयर बिछाई जाती है। श्री राम जन्मभूमि की तीर्थ क्षेत्र का कहना है कि इसी तरह की 40-45 परतें नींव में बिछाई जाएंगी। वहां काम करने वाले सभी इंजीनियर और मजदूर पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ऐसी 40-45 लेयर बिछाई जाएंगी, तब 16.5 फीट ऊंचे चबूतरे का निर्माण शुरू होगा, जिस पर भव्य राम मंदिर के मुख्य गर्भगृह और मंडप का निर्माण शुरू होगा। माना जा रहा है कि भव्य राम मंदिर के निर्माण में 36 महीने का टाइम लगेगा। ऐसे में दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये 2024 तक बनकर तैयार होता है या नहीं, या इसको इसके बनने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और भी जानकारियों को जानने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।